सभी भाइयों को सुरेंद्र सनसनीवाल की तरफ से नमस्कार। आज हम लुधियाना में हैं और लुधियाना में किसान मेला है यहाँ पे हैं, और आज हम आपको एक बहुत ही अच्छी एक मशीनरी है जो एक डेयरी फार्मर को, एक किसान को बहुत ही काम आने वाली चीज़ है, एक स्प्रे पंप, उसके बारे में डिटेल से बताएंगे। ये राजा इंटरप्राइजेज नाम की कंपनी है, पंजाब की ही कंपनी है, बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं और अच्छी क्वालिटी की मशीनरी हमें किसानों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो स्प्रे पंप के बारे में डिटेल से बात करेंगे, जो इनके मालिक हैं राजा जी उनसे बात करेंगे, और हर जो भी छोटी मोटी बातें हैं सभी बातों से राजा जी हमें आज अवगत कराएंगे। राजा जी, इसका मॉडल नंबर क्या है स्प्रे पंप का? R515। अच्छा, R515। तो ये कहाँ का, कैसी मशीन लगी हुई है इसमें? अपने मेड इन इंडिया है कि बाहर की? मेड इन इंडिया है, ये मेरी अपनी कंपनी में बनती है। अच्छा, इसमें 2-स्ट्रोक इंजन है। हाँ, इसमें हैवी क्रैंक शाफ्ट डाली हुई है। अच्छा, जिसकी मैं 2 साल की गारंटी देता हूँ इसकी क्रैंक की। अच्छा, अल्युमिनियम की रस्सी डाली हुई है। इस रस्सी के अंदर बैरंग भी है, स्पेशल एयर क्लीनर लगाया हुआ है मैंने ताकि कार्बोरेटर खराब ना हो। फिर इसमें स्विच है जो मैंने स्पेशल लगाई हुई है। पहले क्या था, लोहे की स्विच लगती थी, यहाँ पे खराब हो जाती थी, फार्मर को बड़ी प्रॉब्लम आती थी। अब उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये प्लास्टिक के से कवर कर दिया है। इसके अलावा मैंने इसमें हैवी ब्रास पंप लगाया है और साथ में टर्बो लगाई है ताकि पानी अंदर बीच में बिल्कुल ना पानी रहे। अच्छा अच्छा। और 25 लीटर का ये टैंक है और इसके अंदर जो फिल्टर है ये भी मैंने लंबा लगाया है। अच्छा अच्छा। ताकि पूरा जो दवाई है, मेडिसिन है, पूरी हिलती रहे। अच्छा। और जो भी फार्मर है इसको चलाएगा उसको महसूस होगा कि दवाई अंदर से हिल रही है। अच्छा अच्छा। जो चाइनीज होते हैं उनमें ये फीचर नहीं होते। अच्छा अच्छा। स्पेशली आपने अपनी कंपनी का ही सारा मेड, जो मैन्युफैक्चरिंग है आपकी कंपनी की? बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। और मैंने इसके साथ एक स्पेशल गन बनाई है, ये स्पेशल गन है, ये इटालियन गन बोलते हैं इसको। अच्छा, अच्छा। इटालियन की ही मैंने कॉपी किया, अपनी खुद डाइयां बना के मैंने इसको, 2 साल लगे हैं इस गन को बनाने के लिए मुझे। अच्छा अच्छा। फिर ये मैंने लॉन्च किया, इससे जो प्रेशर है डबल हो जाता है पंप का। अच्छा अच्छा। तो ये खराब वगैरह कितने एक दिन चलने वाली चीज है ये जो है पंप? देखो जी, इसकी 1 साल की तो कंपनी वारंटी देती है। जैसे मेरे पास फार्मर बताते हैं मुझे, उनको इसको प्रोडक्ट को यूज करते हुए 5 साल हो गए हैं। अच्छा, तो कोई समस्या नहीं आ रही? समस्या आती है, 1-2% आती है जो नेग्लिजेंसी के कारण आ जाती है। वो हम फार्मर को अपडेट करते रहते हैं, बताते हैं इसमें क्या करना है, कैसे इसका रखरखाव करना है। जैसे कि कभी इसमें कोई खराबी आ गई तो पार्ट्स वगैरह कहाँ मिलते हैं? स्पेशल आपके पास ही मिलेंगे या कहीं और? देखिए, मेरे पंजाब के अंदर 290 डीलर हैं और 15 डिस्ट्रीब्यूटर हैं। हरियाणा के अंदर मेरे 50 डीलर हैं और 5 डिस्ट्रीब्यूटर हैं। अच्छा। उन सभी के पास मेरा स्पेयर पार्ट्स हर वक्त अवेलेबल रहता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो लगभग जो ये मोटर है इसकी, ये कितने एक साल तक काम करेगी? ये फार्मिंग के ऊपर डिपेंड करता है इसमें। हाँ, वो जो आप डिपेंड वाली बात कर रहे हैं उसमें ध्यान रखने वाली क्या चीज़? जैसे इस पेट्रोल में 40 ml टूटीएल डालता है, ये चीजें देखनी है। शाम को जो पंप है साफ करके रखना चाहिए ताकि अंदर दवाई ना जमे। ये 2-3 चीजें हैं, ये इसकी केयर करनी पड़ी बातें हैं। अच्छा अच्छा। और सर्विसिंग वगैरह इसकी? सर्विसिंग है, जहाँ पीछे इसके अंदर सीएल डालता है, जो मैं बताता हूँ, 1000 डोली के बाद वो सीएल चेंज करना है। अच्छा, 1000? 1000 सी डोली के बाद। ठीक है ठीक है। खुद या टेक्नीशियन को ये खुद भी फार्मर इजिली यूज कर सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो इसको हम अपना जो मेरा, हमारे जो मोस्टली व्यूअर हैं वो डेयरी फार्मिंग से संबंधित है, तो वो अपनी खेती बाड़ी में और डेयरी फार्म में मक्खी मच्छरों की दवाई के रूप में भी इसका यूज कर सकते बिल्कुल हैं, यूज कर बगाने के लिए बिल्कुल यूज कर सकते हैं। जो इसकी गन की एफिशिएंसी है, ये 25 फीट तक डिस्चार्ज करती है। अच्छा। और पूरा जो स्प्रे है पूरी स्प्रेड हो जाती है इसके। अच्छा, साथ अच्छा, अच्छा, इसका मैक्सिमम डिस्चार्ज है पंप का। और अगर किसी ने ज्यादा मेडिसिन लगानी है, ये आगे एक टिप है, उसको फार्मर चेंज कर सकता है, उससे ज्यादा मेडिसिन भी निकल सकेगी। अच्छा, तो मैं ज्यादा उसकी बोर वाली दे सकता हूँ। तो 25 फीट तक जाएगी या मीटर? 25 फीट तक जाएगी, एक साइड में 25 फीट तक जाएगी। ठीक है, 25 फीट। ठीक है ठीक है, बहुत ही बढ़िया।
राजा जी, इसमें स्पेशली और क्या क्या चीजें हैं जो ध्यान रखने वाली हैं, एक बार और जो भी कुछ आपके दिमाग में है छोटी मोटी बातें वो सारी बताइए हमें। स्पेशल इसमें ये पेट्रोल जो इसमें 600 ml डलता है, फार्मर क्या करता है 10 दिन लगातार यूज किया, उसके बाद एक महीना यूज नहीं करता। मेरा एक्सपीरियंस है, मैं एडवाइस करता हूँ फार्मर को, ये वाला जो पेट्रोल है अपने निकाल के मोटरसाइकिल में डाल ले, इसमें ना छोड़े। उसका एक बड़ा टेक्निकल रीजन है, वो बरसातों के दिनों में मॉइस्चर गेन कर लेता है पेट्रोल, उसके कारण जो मेरा कार्बोरेटर खराब हो जाता है। अच्छा अच्छा ठीक है। अगर कभी स्पेशल ये सारी मोटर अगर किसी फार्मर को चेंज करवानी पड़े तो उसकी क्या कॉस्ट होगी? जैसे ये कंप्लीट अगर पंप चेंज करवाना है, इसकी 3850 रुपये कीमत है। अच्छा 3850 रुपये, ठीक है। इसका जो रेट है 8500 रुपया रेट है इसका, और ये मेरा गवर्नमेंट से जो पंप है हिंदुस्तान गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। अच्छा। कोई भी फार्मर अगर सब्सिडी के लिए अप्लाई करेगा तो उसको सब्सिडी भी मिलेगी, अकॉर्डिंग टू स्टेट गवर्नमेंट कितनी उसको सब्सिडी दे रही है। ठीक है जी, ठीक है। देखिए इसकी स्टार्टिंग देखिए, हाँ मार पर देखिए